यस सर गुड मॉर्निंग यस सरकार सो आई होप जीएसटी एस टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स समझ में आ रहा है सर आपको अरे पक्का तो सर जीएसटी कैसे आया सर्विस टैक्स एक्साइज वेट किस तरह से मर्ज हुए आई होप समझ में आया बेटा आपको क्लियर सर जो सैनविड किट और वेट किट था वो सी जी एस टी और एस जी एस टी आई टी सी बना समझ में आया आपको सर अरे हा ना भाई आई होप आपको समझ में आया दस क्रेडिट क्यों मिला अरे क्लियर अब आप मुझे बताओ जो आपने दस का क्रेडिट क्यों मिला कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो भली सी जी एस टी हो एस जीएसटी हो या सेन क्रेडिट और वेट हो एब्सोल्युटली सेम है कि नहीं सर मुझे बताओ आप लोग अरे क्लियर पक्का बहुत अच्छा बेटा सर फिर हमने शुरू ओके okay? उसका सेक्शन नंबर नाइन हमने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन

क्लियर मालिक पक्का ये था आपका सेक्शन नंबर नाइन ओके सर जो सेक्शन नंबर नाइन है सीजीएसटी एक्ट में वही सेक्शन नंबर फाइव है आईजीएसटी एक्ट में क्लियर बस फर्क क्या है यहां पे सारे सब सेक्शन में स्टेट लिखा है वहां क्या लिखा है बेटा इंटरस्टेट क्लियर मेरी बात वहां पर सेक्शन फाइव सबसे बेटा है ना भाई वो याद है ऑनलाइन मनी गेम अरे क्लियर बच्चो पक्का गुड सर यह था हमारा चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर फाइव सर किसका आई जी एस टी एक्ट का ओके मालिक सर इंटर हो या इंट्रा हो सी जी एस टी एस जी एस टी हो या आई जी एस टी हो जीएसटी लेवी कब होगा जीएसटी लेवी कब होगा सर सप्लाई नाउ द पॉइंट कम्स व्हाट डू मीन बाय द टर्म सप्लाई क्लियर सर द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर सेवन द टर्म सप्लाई डिफाइनिंग सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन हम शुरू कर देते सुने का सेक्शन नंबर सप्लाई सप्लाई कहा ना याद नहीं करना पड़ेगा सर क्लियर सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए उसका क्लोज नंबर ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोट गुड्स और सर्विस और बोथ वेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ अ बाय पर्सन फॉर अ इन द कोर्स और फर्द ऑफ हिज बिजनेस तो वो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा अरे क्लियर समझे मेरी बात सर वो हर्ष किधर गया भाई आज सीए बन गया है आपको

ओके ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज जैसे जैसे क्लाउड सर्विसेज होता है ना सर एडवर्टीजमेंट ओवर द इंटरनेट गूगल एड होते बेटा अरे ना भाई क्लियर ये सब ओके सर नेटफ्लिक्स का आपने वीडियो सब्सक्राइब किया भली इन दी कोर्स और फर्दर इंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए हो वी डोंट केयर इफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन सप्लाई होगा और सप्लाई है तो क्या लगेगा भाई जीएसटी सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन चल रहा है बोलता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई इंक्लूड्स और बोलता है क्लोज मसी क्या कोई बात नहीं अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं सर अगर वो ट्रांजैक्शन पेरा नंबर अगर वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर वन में कवर है तो ऐसे किस में सप्लाई होगा ऑल इट इज विदाउट कंसिडरेशन नंबर वन में एट प्रेजेंट चार पे दे हैं फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ऑफ बिजनेस वेयर वेयर आईटीसी हैज बीन अवे याद आया कुछ की नहीं आया साहब अरे क्लियर डन परमानेंट ट्रांसफर क्या बोला बेटा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवे मतलब Assets के परचेज करने पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया और उसको किसी और को डोनेट कर दिया या परमानेंटली किसी और को दे दिया भले वो विदाउट कंसिडरेशन हो मैं डोनेट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बेटा क्योंकि विदाउटेशन बेटा विद कंसिडरेशन होता तो क्लोज एम ही बात खत्म हो जाती बच्चों क्लियर अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर दिया या कुछ भी तरह से आपने परमानेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा अच्छा कितना जीएसटी लगेगा किस वैल्यू पे लगेगा कितना आईटीसी रिवर्स होगा क्या होगा ये अभी मेरा टॉपिक नहीं है बेटा थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा समझने में बेटा धीरे धीरे माइंड मेच्योर होगा फिर आपको समझ में आएगा टॉपिक आएगा बाद में तब ओके अरे क्लियर पक्का बच्चा ठीक सर क्लियर पर अभी सप्लाई के स्कोप में था लॉजिक मैंने आपको समझाया भाई कि भाई परचेस करने पे आपको आईटीसी क्यों दिया क्योंकि आप उस गुड्स को अपने बिजनेस के लिए यूज करें And आपने बिजनेसली यूज तो किया नहीं और किसी और को ट्रांसफर कर दिया क्या आई टी सी मिलना चाहिए बेटा आपको क्लियर इसलिए उसको सप्लाई के में डाल दिया और बोल दिया दिमाग खराब करना मंगल इस पे जीएसटी लगेगा बोलो सर यही तक पढ़ा था कि हमने कल ना। बस ना। देखो सर पांच मिनट के अंदर सर कल जो पूरा पढ़ा है परसों जो पड़ा सब खत्म है हाँ ना सर रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ आवाज सर मैंने बोला था सर रिविजन तभी हो सकता है जब आपका विजन अरे क्लियर समझे अदरवाइज रीडिंग आपको वो सारे एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे ऑनलाइन वीडियो जैसे ही मैंने बोला शायद याद आ गया वो नेटफ्लिक्स डॉट कॉम के अलावा जो भी वेबसाइट में आई थी बेटा हाँ है ना भाई

सेम एग्जाम्पल सी सर सेम एग्जाम्पल्स क्यों वहाँ पे भी सप्लाई का ऐसा तो, तो नहीं ना सी फाइनल में सप्लाई कुछ और क्लियर तो सर इसलिए कह रहा हूं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो बात खत्म सर समझे इन जो एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं उसको मस्त होके सुनने का अच्छा आप मस्त होके सुनो और एग्जाम्पल के मुझे केवल एग्जाम्पल समझाना समझाना और कॉन्सेप्ट जिंदगी मेरी गारंटी okay अरे आगे शुरू करें क्या ऐसे नहीं सर अरे शुरू करें क्या तो सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन नंबर वन क्लोज नंबर सी चल रहा है शेड्यूल नंबर वन अरे क्या चल रहा है मालिक शेड्यूल नंबर वन हमने कल पढ़ा था क्या परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ऑफ़ बिजनेस वेयर वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड यस या नो सर अरे यस या नो मालिक सरकार सरकार पेरा नंबर टू शुरू करूँ क्या बेटा आपके लिए अरे पक्का ठीक है सर 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 मैंने इधर साइड में आपके लिए बुक ओपन किया हुआ है ठीक है ये ओके okay. ओके ध्यान इधर बेटा सर सर अच्छा बात चल रही है क्या बेटा सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन अच्छा अभी अभी मालिक सर मैडम ध्यान देना प्लीज okay, प्लीज ओके पूरा ध्यान इधर क्योंकि सर वो रिदम फिट हो गया ना सर इधर तो मजा आ जाएगा सर आपको सर सेक्शन नंबर 7 चल रहा है सब सेक्शन नंबर वन वो बोलता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए ने बोला था क्या फॉर अ कंसीडरेशन प्लस इन द कोर्स और फॉर ऑफ बिजनेस डबल ए ने बोला था क्या एओपीबी टू इट्स मेंबर्स एंड वाइस वर्सा क्लियर बी ने बोला था क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन बोलता है क्या कोई बात नहीं कंसिडरेशन भी नहीं है तो भी वो सप्लाई होगा अगर वो ट्रांजेक्शन सेक्शन नंबर अगर वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर में कवर होता है तो बेटा मतलब गवर्नमेंट चाह रही है और गवर्नमेंट को पता है कि ये वो ट्रांजेक्शन नहीं होता है फिर भी सप्लाई तो होना चाहिए जैसे मैंने कोई गुड्स मान लो मैं क्या बनाता तो हूं बेटा अरे मैं क्या बनाता हूं सर मार्क ब्र मैं सर मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स ब्रांड नेम मंगल अब सर यस yes, यस yes. मतलब आप इनफैक्ट uh, कई सारे बेटा यू नो फॉरेन कंट्रीज में तो इससे बेटा आयर की तरह भी यूज करते हैं लोग सर और बताओ मैं कुछ इतनी पंचायती करने की आदत है बेटा सर मान लो मैंने क्या बनाया सर मार्कर्स अब सोचिए ये मेरा बिजनेस मार्कर बनाने का और मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को ये दे दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को ये मार्कर सप्लाई कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन सर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर क्योंकि जब ये मैं, मैंने मार्कर बनाया होगा ये मेरे के लिए बनाया होगा मैंने जितने भी जितने भी बिजनेस के गुड्स परचेज कराएंगे कर मैंने उन सब का मैंने क्रेडिट तो लिया होगा बेटा रॉ मटेरियल का मशीन का सारे बिजनेस के एक्सपेंस मैंने क्लेम किए होंगे मेरे मालिक क्लियर और आउटपुट गुड्स बना बना के अपने रिलेटेड को गुड देखा बेटा और रिलेटेड पर्सन को आपने जो दिया उसमें कोई कंसिड्रेशन नहीं लिया कंसिडरेशन नहीं लिया तो जीएसटी भी नहीं लगेगा बेटा हाँ है ना तो गवर्नमेंट ने बुरा दिमाग खराद करना मंगल ये भी सप्लाई के स्कोप में आएगा ऑल इट इज विदाउट कंसीडरेशन पेरा नंबर टू यही है बेटा ठीक है सर क्या बोलता है ध्यान दे मेरी तरफ बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ क्या बोला बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन टू हिज इन द कोर्स और फर्दरस ऑफ हिज बिजनेस अच्छा बुक में देखो बेटा मैंने कुछ वर्ड्स नहीं पढ़ा आपको है ना अभी ध्यान आपको ध्यान रखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा इसलिए बुक ओपन किया सर 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 क्योंकि क्या आ, देखो मेरे भी नॉलेज कितना ही क्यों ना हो अगर मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा ना तो वो कोई काम का नहीं है सर आपके लिए क्लियर इसलिए मेरे को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सा वर्ड कब बोलना है बोलने में तो मैं बोल बोलता हूँ सप्लाफ ग डिस्टिंग पर्सन इन ऑफ बिजनेस खत्म पर डिस्टिंग पर्सन तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको सर

Supply of goods or service or both by a person to his related person, clear sir? In the course or furtherance of his business. acha although it is without consideration, फिर bhi kya hoga supply होगा? बात को वापस सुनो ध्यान से। In the course or furtherance of business होना चाहिए बेटा। कोर्स और ऑफ बिजनेस नहीं लिखा होता तो क्या होता सर किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड से कोई क्वेश्चन पूछा घर आती आज बड़ा लेट हो गए कहां से आ रहे हो सर बात ओके सर समझना मत ध्यान से सोचो आप ध्यान से हस्बैंड वाइफ आर कॉल्ड रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी ऑल्सो बेटा हम पढ़ेंगे डेफिनेशन सुनना बात से सर अगर मान लो सर वाइफ ने कोई क्वेश्चन पूछा होता कि यार मेरे को जिंदगी में ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं आप मुझे बताए हस्बैंड ने एडवाइस बांट दी बेटा हस्बैंड ने एडवाइस बांट दी और उसको पता है ये एडवाइस अपनी सुनने वाली नहीं है क्लियर फिर भी बाढ़ दी एडवाइस समझना बात से सोचो सोचो क्या कोई कंसिडरेशन लिया होगा बेटा यू टेल मी सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन क्या सप्लाई होगा बेटा ये क्या सप्लाई होगा ये दो रिलेटेड पर्सन का आपस में बात करना बंद हो जाता बेटा सोचो अगर यहां इन हिंदी कोर्स और फर्दर बिजनेस नहीं लिखा होता तो हस्बैंड को बहाना मिल जाता वाइफ से बोलने का कि नहीं नहीं मैं आंसर नहीं दे सकता तेरे क्वेश्चन का वरना जीएसटी लग जाएगा हाँ ना मालिक समझा मेरी बात सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन इन दी कोर्स और फादर इन सब बिजनेस तो सर सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी लगेगा वरना जीएसटी नहीं लगेगा आई होप बात पूरी समझ आई बेटा आपको आवाज आ रही सर पता है बच्चों आप जब इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझ लेते हो ना बेटा तो फिर इन वर्ड्स को भूलने का चांस नहीं बेटा क्लियर मैं चाहता था तीन बार आपको बोलता ये याद करो ये रिवाइज करो रिवाइज करो याद हो जाता बेटा पर वो दो या तीन दिन तक ही याद रहता आपको सर अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ गई कि यार ये वर्ड अगर नहीं हुआ तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा सर पूरा क्लियर इसलिए आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा सर इसलिए मैं कहता हूँ हर एक चीज को इतना अच्छा समझिए कि याद अपने आप हो जाएगा सर समझे आप मेरी बात ओके okay. तो सर सप्लाई ऑफ अरे वीडियो क्लास में जो भी देख रहे प्लीज आपको भी बोलना है यस सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंग पर्सन टू योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंग पर्सन इन दी कोर्स ऑफ़ पर्सन ऑफ हिज बिजनेस तो रिलेटेड पर्सन की बात तो आपको समझ में आ गई सर ये पर्सन क्या बोलते हो आप बात कर क्या सर इसके बारे में भी सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है समझ क्या सर ओके समझना पहली बार हम बात करें इसके बारे में ओके बच्चों आपके लिए पहली बार पॉइंट आया सर पॉइंट क्या बच्चा डिस्टिंक्ट पर्सन मालिक डिस्टिंक्ट पर्सन हाँ जी सरकार डिस्टिंक्ट पर्सन समझने से समझने के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन वर्ड समझने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें समझनी पड़ेगी सर ओके देन देना। तो ही आपका समझ में आएगा क्या डिस्टिंग पर्सन इट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव सेक्शन फाइव एंड सिक्स सेक्शन नंबर फोर एंड फाइव ऑफ दी जी एस टी एक्ट ओके वो छोड़ो भी आप भाई 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 ओ मालिक ध्यान सर रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं मैं जीएसटी में मान लो मेरा ऑफिस का है पुणे महाराष्ट्र आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ पुणे महाराष्ट्र इधर 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 ध्यान अब मैं पूरा ना सर जब रजिस्ट्रेशन हम अप्लाई करते हैं हमको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर इज ट्वेंटी सर दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर कितना बेटा अब वो 15 डिजिट नंबर कैसे होते है बेटा जैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता देता हूँ बेटा पे जीएसटी में तो आपका सामने आएगा सर 15 डिजिट अल्फा एक नंबर एक मिनट बच्चों बच्चों समझना ना बेटा अपने को सुनो ये हो शहरी इधर ध्यान 27 क्या है स्टेट का कोड सर हर स्टेट का अपना-अपना एक अलग न्यूमरिकल कोड दे रखा है गवर्नमेंट ने बेटा ओके महाराष्ट्र का क्या है बेटा 27 ओके मालिक क्लियर ठीक सर नहीं एक सेकंड ये नंबर ठीक सर 27 क्या हो गया बेटा स्टेट का कोड तो हर स्टेट का कोड अपने आप में अलग है अच्छा वो कोड नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है ओके मालिक नेक्स्ट जो टेन डिजिट दिख रहे हैं आपको बेटा ये क्या है पेन नंबर पेन अरे यार नेक्स्ट टेन जो है वो क्या है बेटा बैन दो मिनट परमानेंट अकाउंट नंबर ओके सर ठीक नेक्स्ट जो है दिख रहा है ना आपको तीन डिजिट वन जेड थ्री क्या टू लग रहा है वो आपको वन टू का थ्री ऐसा अभी अभी ठीक है बेटा अच्छा कोई बात नहीं सर अभी ठीक है ओके सर AQW पी एम वन ट्रिपल फोर एन वापस चेंज हो गया नहीं वो वन सिक्स एट हाँ ओके ये हो गया पेन नंबर बेटा अरे पेन नंबर कुछ भी लिख दो क्लियर ये हो गया पेन देन ये जो ना बेटा वन सर ये है मेरा ब्रांच कोड मान लो महाराष्ट्र के अंदर मेरा एक और ब्रांच होता तो रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पे क्या होता बेटा टू एक और होता तो ठीक है बाकी होमवर्क के बेटा आपके लिए ओके सर नेक्स्ट टू डिजिट्स दो मिनट दो मिनट आपका एक क्वेश्चन आ सकता है उस लिए से देता हूँ नेक्स्ट टू डिजिट दिखना जेरो थ्री ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटो सॉफ्टवेयर जनरेटेड ये पॉइंट ये नंबर होते हैं फॉर यू नो डमी नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए बेटा क्लियर अगर सबको पता है कि हाँ वन जेड वन के बाद यही आना है तो हर कोई डमी नंबर लिख देगा बेटा खुद ही हाँ है ना इसलिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ड गवर्नमेंट के आई टी जनरेटेड नंबर होते है बेटा क्लियर सर जेड है या कहीं कि किसी के क्यू है किसी के ए है ओके okay? किसी के थ्री है किसी के फाइव है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर बच्चों पर सर इनको बोलते हैं चैकसम क्या बोलते हैं बेटा लिखता हूँ लिखता हूँ मैं एक बार Okay. ये चेक करती है गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड की कोई रमी नंबर तो यूज नहीं कर रहा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट सरकार फर्स्ट टू डिजिट आर फर्स्ट टू डिजिट आर स्टेट कोड नेक्स्ट टेन इज पैन देन ब्रांच कोड एंड देन चेक सर ये क्या बेटा ओके okay, मालिक ठीक अब सर दो मिनट समझने की कोशिश करना है ना दो मिनट लिया ये तो हो गया क्या मेरा महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर मान लो मेरा एक ब्रांच और है एक हेड ऑफिस और है, कहा है मेरा मुंबई अंधेरी मुंबई अंधेरी कहा है बेटा महाराष्ट्र में ही सर अब दो मिनट जानते हैं बेटा माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या मेरे को महाराष्ट्र में सिंस मैं ऑलरेडी पुणे में रजिस्टर्ड हूं क्या मेरे को एक और जो मेरी ब्रांच है मुंबई में क्या उसके लिए महाराष्ट्र में क्या उसके लिए मेरे को सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा अच्छा अगर अगर मान लो नहीं लेना पड़ेगा दो मिनट समझना बात जाने से अगर मान लो नहीं लेना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को पता कैसे पड़ेगा कि मेरा एक शोरूम मेरा एक शोरूम पुणे में भी है और एक शोरूम मुंबई में भी अच्छा पुणे में है तो पता है इनको बेटा क्योंकि जब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा उसमें लिखा होगा मेरा एड्रेस एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है मेरे को बेटा हाँ ना भाई पर उनको पता कैसे पड़ेगा मेरा पुणे में मेरा महार मेरा मुंबई में भी एक ब्रांच है बेटा सर सुनना इसलिए इसलिए जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूं जब मैं तो उसमें मेरे जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस है क्या बोला सर महाराष्ट्र के अंदर वो सारे मुझे डिक्लेयर करने पड़ते हैं ये रजिस्ट्रेशन लेते वक्त बेटा मतलब अगर महाराष्ट्र के अंदर क्या बोला सर मेरी पचास ब्रांच भी है तो मैं चाहूं तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं मैं मैं चाहूं तो क्या बोला सर अगर मेरी चाहत है तो, तो एटलीस्ट ये चाहत पूरी करी गवर्नमेंट ने क्लियर अगर मैं चाहूं तो पचास के पचास का नंबर अलग लू बेटा मैं चाहूं तो पचास में से कुछ का नंबर अलग लू और मैं चाहूं तो पचास के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लू पर अगर मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है तो किसी भी एक प्लेस को किसी भी एक प्लेस को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माई हेड ऑफिस जिसको टेक्निकली बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या बोलते हैं सर उसको और बाकी सारे प्लेसेस को भी मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि दीज आर माय एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस क्या है मेरे ये? तो मेरा पचास मिनट अच्छा जरूरी नहीं कि हेड ऑफिस को ही आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपलर करें आप किसी भी प्लेस को अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकते हो बस रिकॉर्ड्स वहां पर रखने पड़ेंगे फिर आपको सारे क्लियर सुनो बात को ध्यान से सर मेरी फिफ्टी ब्रांचेस अगर है तो मैं चाहूं तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लू पर अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है तो सर मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त सर ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरी फिफ्टी प्लेसेज ऑफ बिजनेस है जिसमें से ये प्लेस मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और बाकी सारे प्लेसेस मेरे लिए क्या है एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस बेटा उन सबके भी एड्रेस प्रूफ मेरे को अटैच करने पड़ते हैं बेटा इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आता ना बेटा उसमें भी लिखा हुआ आता है कि दिस इज योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बाकी लिस्ट दे देता है किसके लिए एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहेगा सेम रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा पर क्या बोला सर मैं चाहूं तो मुंबई वाले ऑफिस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं क्लियर hmm. अब मैंने अगर मुंबई वाले ऑफिस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है तो क्या होगा भगवान तो मालिक क्या होगा देख ले बेटा तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या इश्यू होगा सोचिए आप अगर मैंने मुंबई वाले ऑफिस के लिए क्या लिया बेटा सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया तो मुंबई महाराष्ट्र में आता है ट्वेंटी सेवन आवाज नहीं आ रही पेन नंबर वही रहेगा क्या बेटा क्यों, पेन नंबर तो बेटा वही होगा पूरा इंडिया के लिए बेटा अपना बताओ आगे क्या होगा बेटा क्या बोल रहे थे टू और चेकसम गवर्नमेंट अपने हिसाब से था मान लो जेड थ्री ही था मान लो ओके मालिक क्लियर तो आप मुझे बताओ सर मुंबई वाली ब्रांच के लिए अगर मैंने सेपरेट नंबर ले लिया तो सर रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट है कि नहीं सर मुझे बताओ आप रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हुआ कि नहीं हुआ सर कैसे पता बताओ चेंज हुआ या वन था या टू है बेटा तो सर जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हुआ आप मुझे बताओ इन द आईज ऑफ लो कानून के हिसाब से मैं दो अलग अलग पर्सन हूं कि एक ही पर्सन हूँ दो अलग अलग पर्सन बेटा यार। आवाज नहीं यार अलग को क्या बोलते बेटा अरे क्लियर सर एक मिनट जल्दी मत करना अभी आप। सरकार जो कॉपी करना है बाद में पर पूरा ध्यान इधर साथ में इन्वॉल्व ऐसा याद करूंगा जीवन भर नहीं भूल पाएंगे सर आप सर मेरा पॉइंट आपसे ये जबकि रजिस्ट्रेशन चेप्टर आता है चेप्टरा था, चेप्टरा टेन मैं आपको हाजिर समझा रहा हूँ क्लियर तभी तो लिंकिंग हो पाएगा सर मालिक ये बोला है कि इन केस क्या बोला सर अगर मैंने मुंबई वाली ब्रांच के लिए सेपरेट नंबर लिया तो सर मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे मिल गया बात खत्म पर सर आप तो अब ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा आपके कि सर ये तो वन है ये टू है थ्री फोर फाइव सिक्स में तो पचास ब्रांच है सर नंबर तो नाइन तक ही होते सर नंबर नंबर तो तो तक तो है के लिए अलग सर तो कोई बात नहीं आगे थ्री है ना बेटा गवर्नमेंट किसी में ए यूज करेगा किसी में बी यूज करेगा किसी में पी यूज करेगा हाँ ना सर क्लियर तो वहां से जितने कॉम्बिनेशन बनने बन जाएंगे बेटा क्लियर डन पर सुनो नॉर्मली क्या बोला सर सिंगल रजिस्ट्रेशन इज मोर बेनिफिशियल क्यों सर अगर मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लिए तो सबके रिटर्न्स अलग अलग फाइल करने पड़ेंगे सर जीएसटी में रिटर्न मंथली होते बेटा हर महीने सबका रिटर्न अलग अलग क्लियर मतलब इन द आईज ऑफ लो पर्सन बेटा दे आर टू डिस्टिंग बच्चे क्लियर समझे मेरी बात क्लियर और भी कुछ डिसएडवांटेजेस बात मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको इसलिए 99% लोग क्या बोला सर 99% लोग क्या करते बेटा सिंगल रजिस्ट्रेशन ही लेते अगर विद इन द स्टेट हुआ तो पर मान लो मेरा एक और ब्रांच कहा? है कहां उदयपुर राजस्थान में नाम सुना आपने बेटा कभी राजस्थान उदयपुर बेटा बहुत ही मस्त सिटी है बेटा वहां के लोग भी बहुत अच्छे है बेटा सर सुनना लेके ले चले बेटा बहुत ही बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बेटा थर्टी प्रदेश पक्का डन बेटा ओके चलिए सर पर तब तक बड़ा चीज करनी चलेगा सर डन पक्का ठीक है सर तो सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये है कि मान लो मेरा एक ब्रांच उदयपुर राजस्थान में भी है सर यू टेल मी अगर मेरा एक ब्रांच उदयपुर राजस्थान में भी है तो क्या मेरे और मैं ऑलरेडी पुणे में रजिस्टर्ड हूं जीएसटी बेटा क्या मेरे को राजस्थान के लिए सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा इज इट कंपलसरी यस इज इट कंपलसरी यस यस स्टेट कोड मैं बता रहा हूं ना सर आपको प्यार करते नहीं प्यार क्लियर समझे मेरी बात सर क्योंकि स्टेट कोड तो ये महाराष्ट्र का लगाना भाई और आपको पता है हर स्टेट वाइज एस जी एस टी एक्ट अलग है बेटा अगर मैं राजस्थान में विद इन द स्टेट सप्लाई करूंगा तो सी जी एस टी और राजस्थान एस जी एस टी लगाऊंगा ना यार अब राजस्थान एस जी एस टी को मेरे को पे किसको करना पड़ेगा राजस्थान गवर्नमेंट को बेटा अब राजस्थान में, में, में रजिस्ट्रेशन नंबर तो होना चाहिए ना यार क्लियर डन इसलिए विद इन द सेम स्टेट अगर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो वहां कोई तकलीफ वाली बात नहीं है वहां आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं पर अगर आपका मल्टीपल स्टेट्स में क्या बोला सर मल्टीपल स्टेट्स में अगर आपकी प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो उन सारे स्टेट्स में आपको सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा क्लियर चलिए सर मान लो बहुत अच्छा बेटा राजस्थान का स्टेट है मान लो क्या जीरो एट आगे का क्या नंबर होगा बताना एक बार क्लियर मान लो वहां पर भी Z3 ही है बेटा ओके अरे क्लियर मालिक अच्छा अगर मान लो राजस्थान में उदयपुर के साथ में मेरा एक ब्रांच का है जयपुर में भी बेटा तो मैं चाहू तो ए भाई मैं चाहू तो वहां सेपरेट नंबर लू बेटा वरना उसको मैं मेरे उदयपुर के नंबर के साथ में मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा सकता हूं बेटा क्लियर समझ मेरी बात मैं चाहूं तो सेपरेट नंबर लू और सेपरेट नंबर अगर लिया है तो टू लग जाएगा बेटा क्लियर पक्का बच्चों हंड्रेड परसेंट डन अच्छा एक मिनट रहे मान लो इन अ गिवन सिचुएशन इन अ गिवन सिचुएशन आपको ये तीन रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे मान लो किसी ने पहली बात तो ये ये तीनों रजिस्ट्रेशन नंबर देख के आप ये बता सकते हो कि तीनों का मालिक तीनों का मालिक एक ही है कैसे पता पड़ेगा तीनों मालिक तीनों का मालिक एक पेन नंबर से सर अरे हा ना सर मतलब पेन से चेक हो जाएगा कि ओनर तो एक ही है क्लियर समझे मेरी बात पर सर तीन अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर इसने ले रखे हैं और तीन अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं मतलब तीनों के आपस में तीनों है तो मालिक एक ही पर तीनों इन द आईज ऑफ तीनों क्या है डिस्टिंग पर्सन तीनों क्या मालिक डिस्टिंग पर्सन क्लियर समझा मेरी बात तो सर ध्यान देन देना बेटा देखो आ, सर क्या नाम ओमकार भाई अब ओमकार भाई का पेन नंबर अलग होगा बेटा सर सर क्या नाम सर नाम भूषण भाई तो सर वो लगान वाले सर अरे वाह जबरदस्त तो सरकार लगान वाले भूषण भाई भी हमारे बीच में एंड सर कचरा भाई ऐसा सबके सामने नहीं बोलेगा बेटा सर सर मान मान लो लो अब सर, इनका पेन नंबर अलग होगा बेटा इनका पेन नंबर अलग होगा ओमकार भाई का पेन नंबर अलग होगा मंगल का पेन नंबर अलग होगा बेटा सर पर पॉइंट इज दैट क्या हम तीनों डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे क्या, क्या अगर पेन नंबर सेम है क्या बोला सर

एक काम करना भाई क्या चल क्या रहा है ध्यान बेटा है ना सर अरे आपका माहौल इधर बनना चाहिए सर ध्यान देना सर अरे अरे जितना देखो ध्यान देना आपने एक एक स्टोरी सुनी होगी सर आपने कई बार आ, स्वामी विवेकानंद जी की आई आई थिंक आपने सुनी नहीं सुनी कोई बात नहीं मैं बताता हूँ आपको सर सुना बात को ध्यान से बहुत अच्छी बात है सर आपके लिए काम आएगी लाइफ टाइम आपको सर लाइफ टाइम काम आएगी एक बार क्या हो रहा था सर स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे सर अब वो तो पूरा भगवा जैसे योगी जी अपने वैसे हाँ है ना सर अब वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे साथ में कुछ फॉरेनर थे बेटा उस टाइम पे साथ में कुछ फॉरेनर थे अब फॉरेनर तो यू नो अपने आप में यू अपने आप को टॉप समझते थे बेटा अब क्या हुआ वो कोई बुक पढ़ रहे थे फॉरेनर स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे वो बुक मांगी इंग्लिश में मुक्ति बेटा तो पहले तो उसको उनको ऐसा देखा हो फॉरनर ने बोला ठीक है देख ले फोटो तो देख लेगा और क्या करेगा हाँ है ना क्या पढ़ लेगा थोड़ी देर उन्होंने पेज घुमाए पढ़ा इसको थोड़ी देर बाद बुक रिटर्न कर दी उन्होंने कुछ समझ में आया फॉरनर ने विवेकानंद जी से क्या पूछा कुछ समझ में आया उन्होंने तुम एक काम करो इस बुक का कोई भी पेज ओपन करो और क्या लिखा है पूछ लो उनको पेज नंबर वाइज कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा है वो भी याद था सर एवरी दैट को वर ये क्या है तो दैट वाज नॉट अ मैजिक देखो मैं भगवान राम की बात करूं कृष्ण भगवान की बात करूं तो वो भगवान है सर वो तो कुछ भी हो सकता है सर मैं इंसान की बात करूं जो हमारे बीच में से क्लियर और रियल फैक्ट अब उनको ये याद कैसे सर कोई मैजिक तो था नहीं सर कोई मैजिक तो था नहीं ना उनको कोई एक्स्ट्रा दिमाग दिया भगवान ने क्लियर पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन समझा मेरी बात आप भी कई बार देखते होंगे और यार कल तो पढ़ा था आज याद नहीं आ रहा है यार ऐसा कई बार होता होगा सर आपके लिए क्लियर वहां पे क्या होता है एक तो विजन नहीं तैयार हुआ हुआ सर आपका क्लियर और सेकंड थिंग आपका कॉन्सेंट्रेशन वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ता बेटा क्लियर आप उसको याद करने की कोशिश करते समझ नहीं, नहीं थे सर उसको क्लियर तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको इतना अच्छे से पढ़ो सर वो अपना याद होगा सर सर अपना कैसे याद होगा एक तो विजन और सेकंड उसका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर समझे मेरी बात और अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन से उसको सुन लिया मेरी गारंटी सर आपसे मैंने कहा था वारंटी भी नहीं गारंटी सर अरे हाँ ना सर क्लियर बस बस आप ध्यान इधर रखिए सर बाकी सब काम मैं कर लूंगा अपना ओके पढ़ते वगैरह एटलीस्ट ओके तो सर अच्छा मजे मस्ती करना वो करो कोई दिक्कत नहीं पर ध्यान प्रदर्शन होना चाहिए मेरे साथ करो सर आप ओके सर मान लो नंबर सेम क्या सर पर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है तो वापस में क्या कहलाएंगे बेटा वापस में क्या कहलाएंगे मालिक ये डिस्टिंग ये डिस्टिंक्ट ये डिस्टिंट ना सर ये तीनों आपस में क्या है बेटा डिस्टिंग पर्सन पर अगर पेन नंबर अलग होगा क्या होगा सर तो ऐसे वो डिस्टिंग पर्सन नहीं करेंगे तो ही क्या डिफरेंट पर्सन आपस में लेना दे देना उनका है ही नहीं क्लियर डन ओके तो सर डिस्टिंग पर्सन क्या, क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया नाउ यू टेल मी एक सिंगल लाइन में मुझे बताओ डिस्टिंग पर्सन क्या होता है बेटा डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी था सेम पेन नंबर करेक्ट अगर मैंने मुंबई ब्रांच के लिए सेपरेट नंबर नहीं लिया होता सुनना बात तो प्लीज सर ना बहुत अच्छी बात है जल्दी अगर मैंने मुंबई ब्रांच के लिए सेपरेट नंबर नहीं लिया होता मेरा पुणे ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है बेटा ये वाला सर दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर पुणे बेटा अगर मैंने मान लो मुंबई uh, ब्रांच का सेपरेट नंबर नहीं लिया होता तो यही नंबर मेरे मुंबई ब्रांच के लिए होता बच्चा आवाज यारी मतलब महाराष्ट्र में जितनी ब्रांच है क्या बोला सर महाराष्ट्र में जितनी ब्रांच है सबके लिए अगर रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता सबके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता तो भले मैं पुणे से सप्लाई करूं सर सांगली से सप्लाई करूं महाराष्ट्र मुंबई से सप्लाई करूं रत्नागिरी से सप्लाई करूं या सर कहा से जल्द बोलो एक कोल्हापुर से सप्लाई करूं हाई ना नाशिक से सप्लाई करो सबके लिए रजिस्ट्रेशन एक ही होता बेटा सबके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता एक ही है तो क्या वो मुंबई ब्रांच और पुण्य सेम ना सर वो तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अगर लिया होता तो वो क्या कहलाता बेटा डिस्टिंग पर्सन अदरवाइज तो उन सबका नंबर भी ये वन नंबर ही होता बेटा ना मालिक Clear, done. मतलब अगर मैंने मेरी ब्रांचेस को किया है, एक ही होता है बेटा. वो जो लिखा था ना बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल चल रहा है जीवन बस ये जो वन नंबर है ना बेटा ये जो वन नंबर है यही मुंबई के लिए होता है यही सांगली के लिए यही कोल्हापुर के लिए होता है यही महाराष्ट्र की हर ब्रांच के लिए होता है बेटा ओके okay, बस वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर होता है इन माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहां तक क्लियर है क्या बच्चे आवाज आ रही डन तो डिस्टिंग की कहानी शायद आपको समझ में आ गई सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी डिस्टिंग पर्सन पूरा क्लियर तुम तो आगे बढ़ू सर आवाज यही हो चलो मैं आपसे ये पूछ लू मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में एक ब्रांच गुजरात में बेटा तो बताओ रजिस्ट्रेशन नंबर कितने होंगे मेरे पास कंफर्म कोई कोई चॉइस चॉइस है है क्या नहीं, कोई नहीं, है? नहीं। पका? चलो सेकंड क्वेश्चन मान लो मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र के मुंबई में है दूसरी ब्रांच महाराष्ट्र के पुणे में बेटा बताओ कितने रजिस्ट्रेशन नंबर डिपेंड्स मैं चाहू तो एक मैं चाहू तो दो क्या दो क्या नंबर हाँ बेटा अरे क्लियर समझे मेरी बात यहां तक बात डन तक समझे क्लियर सर वीडियो क्लास में जो भी आवाज आ रही मेरी आपको बेटा सौरभ आदित्य मोहित इधर तो आवाज आ रही बेटा माइक की आवाज प्रॉपर आ रही बेटा ओके okay, सर वीडियो क्लास में जो भी देख रहे हैं ओके गुड ठीक है सर आ, तो मोहित आपके देखिए बेटा कुछ आपके इधर का इशू शिवराज माहौल जबरदस्त शानदार सर मान लो ओ yeah. सर oh, अब लैंग्वेज सुनना बेटा इन केस ऑफ जीएसटी क्या टी सर शेड्यूल नंबर वन पेर नंबर टू सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बोला सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन इन दी कोर्स और फर्द ऑफ इज बिजनेस मैंने अपने रिलेटेड पर्सन कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई करी इन दी कोर्स और फर्द विदाउटेशन सप्लाई होगा बात खत्म बेटा क्लियर पर अगर मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको पर अगर मैंने अपने डिस्टिंग पर्सन को क्या बोला बेटा अगर मैंने अपने डिस्टिंग पर्सन को भी क्या सप्लाई किया बेटा गुड्स और सर्विस और बहुत इन दी कोर्स और फर्द ऑफ माइ बिजनेस ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन तो भी क्या होगा सप्लाई होगा और सप्लाई होगा तो क्या लगेगा बच्चे जीएसटी एक मिनट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसर बहुत अब मैं केवल डिस्टिंग पर्सन के बोलूंगा ठीक है सर और मैं चाहता हूं बताए क्या ऐसा फिट कि आंसर मुझे आप देंगे बेटा चलेगा पक्का सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसर बोथ बाई पर्सन टू हिज डिस्टिंग पर्सन इन दी कोर्स फर्दरस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई सप्लाई तो क्या लगेगा बेटा जीएसटी विदाउट कंसिडरेशन ऑल्डो विदाउट कंसिडरेशन मालिक सर ध्यान मालिक इनकेस ऑफ जीएसटी सरकार इनकेस ऑफ जीएसटी मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मान लो मैं क्या बनाता हूं सर मंगल। अब सर मेरी फैक्ट्री क्या है बेटा सर रोज यहां मार्केट बनेंगे सुबह सुबह बेटा ओके दिस इज माय फैक्ट्री इन पुणे ओके सर यहां मैंने मार्केट बनाया और यहां से मार्केट बना के मैंने अपने राजस्थान ब्रांच ऑफिस में भेज दिया स्टॉक ट्रांसफर सर स्टॉक ट्रांसफर किया मैंने कहा से कहा बेटा पुणे से राजस्थान वाली ब्रांच को बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा नहीं मैंने कोई पैसा नहीं लिया बेटा स्टॉक ट्रांसफर बेटा कुछ स्टॉक यहां ज्यादा था वहां कम था वहां भेज दे स्टॉक आवाज नहीं रही हो लगेगा जीएसटी सप्लाई हो गया क्या ये नहीं 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 कंसिडरेशन नहीं है सर मैंने अपनी उस ब्रांच से कोई कंसिडरेशन नहीं लिया क्या सप्लाई अरे आपने ये तो चेक किया नहीं डिस्टिंग पर्सन है कि नहीं सर अरे हमको चेक करने की जरूरत है डेफिनेटली डिस्टिंग पर्सन है ना है सर क्योंकि मैंने इंटर स्टेट सप्लाई किया है मतलब एक है कहा पुणे महाराष्ट्र एक ही कहा राजस्थान मतलब डेफिनेटली सेपरेट नंबर तो होगा ही होगा और सेपरेट नंबर होगा मतलब क्या हो गया बेटा डिस्टिंग पर्सन इसलिए सप्लाई होगा और जीएसटी हो तो, हाँ हो लगेगा मैं यहां से जब गुड्स वहां भेजूंगा तब जीएसटी लगा के भेजूंगा हाँ वहां पर वो चाहे तो मेरा ब्रांच इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है हाँ है ना भाई क्लियर वो एक अलग बात है बेटा पर यहां से वहां गया तो सप्लाई तो हो गया जीएसटी लग गया अरे अरे पक्का पर मान लो सर इन केस अगर मैंने मुंबई आ, अगर मैंने पुणे पुणे से गुड्स कहा भेजा मुंबई महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र पर मैंने मुंबई ब्रांच का सेपरेट नंबर नहीं ले रखा है सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है जो पुणे का वही वहां पर है बेटा और वो मैंने एडिशनल पैसों बिजनेस दिखा रखा बच्चो। है बच्चों नाउ यू टेल मी वो सप्लाई है कि नहीं है नहीं ब्रांच ट्रांसफर हुआ ना बेटा गुड्स का अरे स्टॉक ट्रांसफर हुआ ना गुड्स का सर इन दी कोर्स फादर बिजनेस है ना सर बट वो डिस्टिंग पर्सन नहीं है सप्लाई नहीं होगा कोई जीएसटी नहीं लगेगा वेरी गुड सर तक अरे क्लियर डन समझे मेरी बात पक्का डन सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी अगर मैंने मुंबई ब्रांच का सेपरेट नंबर लिया होता तो वो क्या होता बेटा

यहां तक तो समझ में आया कि नहीं आया सर अरे पक्का मालिक पक्का डन तो चलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता बेटा पूछ लो आपसे बेटा आंसर देंगे मेरे को आप लोग ओके सर ये भूषण है क्या कर रहा है सर ये करके फिर इधर देखने लग जाता है बेटा सामने लगे पीछे छुप जाता है इसको लगता है सर को पता नहीं पड़ता है बेटा सर सुनना मान लो इनके सब जीएसटी क्या बोला सर एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए इंडिगो एयरलाइंस नाम सुना आपने बेटा सुना आपने बेटा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है मान लो मुंबई महाराष्ट्र में क्लियर सर इसका एक और रजिस्ट्रेशन है दिल्ली ऑफिस का बेटा हूं करो रे <laughs> दिल्ली का भी इसने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है अब सर दिल्ली में भी इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है मुंबई में भी प्लेस ऑफ बिजनेस है डेफिनेटली दोनों क्या है बेटा आवाज डेफिनेटली दोनों क्या है डिस्टिंग पर्सन अब सर क्या हुआ मुंबई मुंबई के रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी कुछ एयरक्राफ्ट इसने परचेज करके है दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी कुछ एयरक्राफ्ट इन्होंने किए हुए हैं अब सर क्या हुआ दिल्ली के एक एयरक्राफ्ट का कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स और इंजन खराब हो गया बेटा उड़ते उड़ते बेटा हाँ उड़ते उड़ते खराब हो गया बेटा फिर इसने लैंड किया बेटा एकदम ऐसा गायब होकर लैंड कर दिया बेटा इसने क्लियर सर अब पॉइंट है कि मुंबई ब्रांच के पास उस एयरक्राफ्ट के साइज के लिए जो पार्ट्स कंपोनेंट्स और इंजन चाहिए था वो एक्स्ट्रा पड़ा था वापस सर दिल्ली ब्रांच ने क्या किया बेटा उसको फोन किया कि मुंबई से हमको इस एयरक्राफ्ट के लिए पार्ट्स कंपोनेंट्स और इंजन चाहिए वहां से यहां भेज दो हाँ है ना उसने क्या किया बेटा भेज दिया क्लियर कहां से कहा <coughs> बताओ अच्छा वो पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन की वैल्यू वन सीआरूपी थी रुपीज वन करोड़ बेटा बताओ सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ हो गया कैसे सप्लाई ऑफ गुड्स वो उसके बिजनेस एसेट थे बेटा और बिजनेस कैसेट को स्टॉक को भेजना भी सप्लाई किसको बिजनेस किसको में बेटा क्लियर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय टू इज 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 डिस्टिंग पर्सन इन ऑफ ऑफ बिजनेस सप्लाई और ऐसे केस में सर मुंबई ब्रांच क्या करेगा जीएसटी बिल इशू करेगा टैक्स लगाएगा जिसका क्रेडिट चाहे तो दिल्ली ब्रांच ले वो बात की और मुंबई ब्रांच ने वो parts, और इंजिन मान लो आपसे परचेज किए थे बेटा तो आपने जो बिल पे जीएसटी लगाया होगा उसका क्रेडिट इसको मिल जाएगा और मुंबई ब्रांच जब दिल्ली ब्रांच को भेजेगा तो वो सेल पे जीएसटी लगा देगा बेटा है हाँ ना भाई कोई डाउट इसमें बेटा पक्का डन चलिए सर मान लो एक और क्वेश्चन पूछू मैं आपसे सर मुंबई ब्रांच ने जब दिल्ली ब्रांच को ये पार्ट्स कंपोनेंट्स और इंजन भेजे होंगे तो कैसे भेजेंगे होंगे बेटा इधर से ऐसे ऐसा उड़ता पंजाब ऐसा तो सरकार या ऐसे एयरक्राफ्ट बनाया होगा ऐसे पेपर का और ऐसा उसके ऊपर इंजन रख दिया होगा हाँ? कबूतर के थ्रू बेटा वेरी गुड प्यार मोहब्बत से थोड़ा ऊपर उठ बेटा कबूतर केवल और केवल खत ले जाते बेटा चिट्ठी और वो भी सही जगह पे देते बेटा पता बड़ा किसी और को दे दिया मामला आउट सर सुनो शरी सर मुंबई ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को जब वो पार्ट्स कंपोनेंट्स और इंजन भेजे होंगे तो वो कोई ट्रक में रख के भेजे होंगे सर वो ट्रक भी मान लो मुंबई ब्रांच की थी बेटा ट्रक भी मुंबई ब्रांच की थी या मान लो किसी ए दूसरे एयरक्राफ्ट में भेज दिया बेटा हो सकता ना यार अच्छा सर वो जो ट्रक या एयरक्राफ्ट या कोई भी कव, कोई भी मोड ऑफ कन्वेंस वो खुद मुंबई ब्रांच के था बेटा मैं ट्रक का एग्जाम्पल देता हूँ वो ट्रक में रख के भेजे थे ट्रक का था बेटा मुंबई ब्रांच का था अब आप मुझे बताओ वो ट्रक गया किसके लिए वो पार्ट्स कंपोनेंट्स भेजने के लिए कहा दिल्ली और वो ट्रक क्या करेगा वो पार्ट्स कंपोनेंट्स दिल्ली छोड़ के वापस आ जाएगा बेटा ट्रक अरे भाई एयरक्राफ्ट के पार्ट्स कंपोनेंट्स भेजना है यार क्या ट्रक भी भेज दिया क्या ट्रक इज बींग यूज ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स और ये वहां जाके गुड्स अनलोड करके वापस आ जाएगा बच्चा अपना आप मुझे बताओ क्या ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या नहीं।, नहीं पर वो भी तो डिस्ट्रिक्ट पर्सन को जा रहा है वो जा नहीं रहा है वो आने के लिए जा रहा है बेटा हाँ ना भाई पर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन जा रहे हैं। हा है ना भाई इसीलिए इसीलिए सर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजिन हाँ इसी लिए, इसी लिए। सर, कंपोनेंट्स और जो मुंबई दिल्ली ब्रांच से

क्या कार सप्लाई होगा क्या नहीं क्लियर क्या सप्लाई हुआ बेटा इसमें? सर डायरेक्टर सप्लाई हो गया कुछ भी सप्लाई नहीं हुआ वो डायरेक्टर तो पूरी कंपनी अरे है ना समझे मेरी बात पर अगर मैंने पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इंजन वगैरह या कोई भी गुड्स मैंने परमानेंटली वहां भेज दिया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा बट मोड ऑफ कन्वेंस क्या बोला सर मोड ऑफ कन्वेंस ट्रक हो गया सर ट्रेन हो गई मान लो एयरक्राफ्ट हो गया या कुछ भी हो गया वो अगर आप मेयर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो बिटवीन टू डिस्टिंग नहीं हुआ अनलेस वो ट्रक भी परमानेंट भेज दी हुई थी बेटा ट्रक भी नहीं थी बेटा और मुंबई ने डिसाइड किया कि ठीक है एक ट्रक भी भेज दो बेटा तो ऐसे कैसे वो ट्रक भी सप्लाई हो जाती यस या नो इनको बोलते क्या मोड ऑफ कन्वेंस कन्वेंस मतलब भले वो ट्रक हो गई बस हो गई कुछ भी हो गई बच्चा हा ना भाई ठीक सर एक और क्वेश्चन पूछू क्या मैं आपसे बेटा चलिए मान लो हमारी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फर्म है बेटा हम बड़े बड़े प्लांट्स रिपेयरिंग करते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज के जो बड़े बड़े प्लांट होते ना बेटा उनकी रिपेयरिंग करते हैं बेटा सुपर इंजीनियरिंग फर्म हमारी कंपनी का नाम क्या है सुपर इंजीनियरिंग ये हमारी कंपनी का नाम है सर अब सर हम क्या करते हैं बड़े बड़े प्लांट का रिपेयरिंग करते हैं सर अब बड़े बड़े प्लांट का रिपेयरिंग करने के लिए क्या प्लांट खोल के हमारे ले आएंगे क्या तो हमको वहां जाना पड़ेगा सर अब यार हम वहां चले तो जाते हैं बेटा पर हमारे को भी रिपेयरिंग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होती है बेटा अब मशीन वहां उठा के ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा इसलिए हमने क्या किया हुआ सर एक ट्रक ऐसी बनाई हुई है एक ट्रक ऐसी बनाई हुई जिसपे सारे रिपेयरिंग के हमने मशीन इंस्टॉल करी हुई बेटा सो जो चाहिए ऑलरेडी क्या है सारे हमारे रिपेयरिंग की मशीन वगैरह लगा रही बेटा स्पेयर पार्ट वगैरह सब कुछ बेटा क्लियर वो ट्रक हम लेके वहां चले जाएंगे रिपेयरिंग करेंगे वापस आ जाएंगे बच्चों नो नाउ यू मी अगर मान लो वो ट्रक जिसके अंदर हमने सारी मशीन्स भी भी हमने। so बड़ी -बड़ी मशीन इंस्टॉल करी हुई बेटा क्रेन इंस्टॉल करी हुई है वो उठा पाए क्रेन इंस्टॉल करी हुई है स्पेयर पार्ट्स इंस्टॉल किए हुए हैं रिपेयरिंग की, है। की मशीन इंस्टॉल करी हुई है।, है मुंबई महाराष्ट्र में एक है राजस्थान उदयपुर में बेटा वहां दोनों जगह से हम ये रिपेयरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अब सर क्या हुआ उदयपुर राजस्थान की जितनी भी इस तरह की ट्रक वाली मशीन थी बेटा वो सारी ऑक्यूपाइड है ओवर ऑक्यूपाइड काम चल रहा है साहब पर मुंबई ब्रांच में एक ट्रक एक्स्ट्रा अभी पड़ी हुई सर अब उदयपुर ब्रांच के पास एक ऑर्डर आया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम सुनाऊंगा अपने बेटा वैदंता ग्रुप का बेटा क्लियर उदयपुर में फैक्ट्री बेटा इसकी प्लांट है वहाँ पे उनका फ़ोन आया साहब ये प्लांट का रिपेयरिंग करना है जल्दी भेजिए आप सर अब जल्दी कहा से भेजा हमारी ऑलरेडी सर तर इस तरह की जो मशीन थी वो सारी ऑक्यूपाइड थी बेटा मैंने मुंबई ब्रांच बात करी वहाँ एक्स्ट्रा पड़ी थी उन्होंने बोला किटी के है दस दिन के लिए मेरे पास है टाइम स्पेयर यहाँ पे दस दिन तक ये मशीन काम नहीं है कि मैं यहाँ भेज देता हूँ बेटा क्लियर उन्होंने टेम्प्रेरी क्या किया बेटा टेम्प्रेरी बेटा परमानेंट नहीं क्या क्या वो ट्रक यहां भेज दी विच इज ऑलरेडी लोडेड विदउट ट्रेन विद रिपेयरिंग मशीन एटसेट्रा बेटा हा ना भाई ना यू टेल मी यू टेल मी सर जब मुंबई ब्रांच से उदयपुर ब्रांच मुंबई ब्रांच से उदयपुर ब्रांच जब मशीन ऑन व्हील्स मशीन ऑन दी व्हील होता ना सर जब वो ट्रक आई होगी इधर क्या वो सप्लाई हो गया जी सर नहीं वो टेम्परे हाँ, कोई गुड्स ऐसा जो परमानेंट जाएगा बेटा तो हा ना भाई क्लियर पक्का आवाज नहीं आ रही सर yes no? पता है ये जो तीन हमने क्वेश्चन की बात करी तीन चार एयरक्राफ्ट की बात करी मोड ऑफ कन्वेंस की बात करी क्रेन वाली बात करी हमने बेटा दो तीन बारे अरे क्लियर समझे मेरी बात डन सो so, ये डिस्टिंग समझ में आ रहा कि जा रहा है बेटा पक्का बेटा हंड्रेड परसेंट ये पेरा नंबर टू खत्म होता है अब एक बार वापस बोल दूंगा बच्चा में आपके लिए आवाज नहीं आ रही तो सर सर ध्यान मेरी तरफ आएगा बाद में बेटा बेटा हम हम क्या क्या पढ़ रहे विदाउट कंसिडेशन वाले ट्रांजेक्शन टू सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ क्या बोला मालिक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पर्सन क्या बोला सर पर्सन

रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में मालिक एंड सरकार वो हम पढ़ेंगे दो मिनट बाद में पर एक पॉइंट मैं आपको उससे पहले समझाता हूं बेटा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी क्या कहलाते बेटा रिलेटेड पर्सन कहलाते इस पर डेफिनेशन गिवन इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 अंडर जीएसटी बेटा हां ना सर एम्प्लॉयर हाँ। एम्प्लॉई क्या कहलाते है बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई क्या कहलाते है बेटा जल्दी बताओ डिस्टिंग्ट रिलेटेड पर्संस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई सर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई क्या कहलाते है मालिक रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी क्या कहलाते है सर रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी क्लियर अब सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन है तो सर आपने कई बार देखा होगा आज जैसे मैं बात करता हूं एग्जाम्पल एक एक हूं आपसे प्रैक्टिकल बेटा जियो जियो कंपनी की ना, नाम सुनाऊंगा बेटा आपने रिलायंस सर जियो टेलीकॉम मान लो जियो टेलीकम्युनिकेशन में एम्प्लॉय बेटा मान लिया बेटा आपने अब जियो क्या करता है बेटा

और सर मंथली उनका अगर नॉर्मल लोग खरीदते तो मंथली रूपीजेंड वॉज दैट वाई कार्ड बेटा एक हजार रुपये हो गया बेटा एक हजार रुपये हो गया का हो गया मतलब दो हजार रुपए पर मंथ पर एम्प्लॉय के लिए एक तरह से फ्री में काम कर रहा है बेटा वो है ना सर मतलब जियो इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज क्या बोला सर विदाउट कंसिड्रेशन बेटा जियो इज सप्लाइंग सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन बेटा टू इज टू इज रिलेटेड पर्सन बच्चा क्यों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन एंड यस रिलायंस जियो इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दी कोर्स और फर्द ऑफ इज बिजनेस बेटा क्योंकि सर ये उसका बिजनेस है बच्चा अरे हा ना भाई तो सर जियो रिलायंस सप्लाइंग सर्विसेज टू इट्स रिलेटेड पर्सन इन दी कोर्स इट बिजनेस बताओ सप्लाई के स्कोप में आया कि नहीं आया सर ऑल देशन शन में कवर है स्कोप में क्या लगेगा मालिक GST. आवाज ढंग से नहीं आ रही सर GST. अब सोचो मतलब एक तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉय का भला करना चाह और कंपनी के लग गए बेटा क्या जीएसटी हाँ है ना सर समझ मेरी बात तो सरकार ये तो गलत हो रहा ना यार ये तो गलत हो रहा ना यार एक तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए अच्छा काम कर रही है और गवर्नमेंट फ्री में काम कर रही है और गवर्नमेंट अठारह परसेंट जीएसटी ले ले बेटा वैल्यूएशन मैकेनिज्म लगा के वैल्यू निकाल देगी बेटा और उस पर जीएसटी पे कर दो बेटा अच्छा हो रहा है क्या यार ये इसलिए एक प्रोवाइजो एड किया है आप प्रोवाइजो एड करके बोल दिया क्या दिमाग खराब करना मंगल क्या बोला सर आ, दिमाग करा, मत करा मंगल अगर किसी एम्प्लॉयर ने अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स गिफ्ट्स दिए दिए ऑफ द वैल्यू नॉट एक्सडिंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर एनम पर एम्प्लॉय पर एन एम पर एम्प्लॉय कितना बेटा पचास हजार रुपए तक के गिफ्ट अगर दिए है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे और सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे मतलब इसमें जीएसटी एस नहीं लगेगा यस या नो कुछ समझा कि गया आई रिपीट सर धन बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय इस टू इज रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंग पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने क्या बोला मालिक किसी एम्प्लॉयर yes. ने किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भले ही सप्लाई किया हो पर गिफ्ट दिए अपू दैल्यू ऑफ रूपीज फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम पर एम्प्लॉई तो सप्लाई के स्कूप में नहीं आएगा और कोई जीएसटी नहीं लगेगा हाँ या ना सर। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा। मान लो किसी कंपनी ने दीपावली के ओकेजन पर फेस्टिवल दीपावली के ओकेजन पर अपने एम्प्लॉइज को सो एम्प्लोई बेटा सो एम्प्लॉज के सो एम्प्लॉज के लिए मोबाइल फोन खरीदे बेटा Clear. और थर्टी सिक्स लैख के मोबाइल फोन उन सारे एम्प्लॉय को गिफ्ट सेम मोबाइल मोबाइल फोन थे बेटा मोबाइल फोन थे और सर सौ के सौ एम्प्लॉय को सर वो छत्तीस लाख रुपए के मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिए बेटा हाँ जी बताओ सप्लाई के इसको नहीं आएगा सर अच्छा पहली बात तो बिजनेस के लिए दिए बेटा उसने अरे हा है ना क्लियर और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या है रिलेटेड पर्सन है बेटा ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई तो है बेटा ये पर 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 एनम पर एम्प्लॉय कितना फिफ्टी थाउजेंड तो थर्टी सिक्स लैख पर सो एम्प्लॉय ना यार अगर छत्तीस लाख को सो से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा थर्टी थर्टी सिक्स थाउजेंड के अगर पर एनम, पर एन एम पर एम्प्लॉई कितना बेटा थर्टी सिक्स तो वो सप्लाई के में नहीं आएंगे हंड्रेड परसेंट पक्का अब जगह पैरा नंबर टू खत्म हुआ बेटा क्लियर और अब रेडेड की डेफिनेशन हम देख लेते शायद समझ में आया बेटा आपको समझ रहे हो सर सर लगभग एक घंटा लगा पूरा इसको हमने पढ़ाया कितना बताया दो लाइन ये रही दो लाइन सर ये, रही। सर, ये रही। सर ये रहा पेरा नंबर टू ये रहा हमने दो लाइन जो अभी पढ़ी बेटा लास्ट एक घंटे में बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मालिक ठीक है सर एक मिनट एक मिनट पर पर जो मैंने आपको समझाया है वो सारे एग्जाम्पल मोरलेस मैंने बुक में दे रखे हैं सर आपको ओके okay? ये रहा सर सर ये फिर नंबर टू दे रखा है बेटा पे ठीक है अब ये दे रखा है मैंने क्या डेफिनेशन ऑफ व्हाट रिलेटेड पर्संस पढ़ ले बेटा पढ़ ले के डेफिनेशन बेटा सर तो ये है जीएसटी में हमारे रिश्तेदार रिलेटेड पर्संस पढ़ फर्स्ट इस पर एक्सप्लेनेशन गिवन टू सेक्शन नंबर 15 रिलेटेड पर्सन हैीगल पर्सन अच्छा लीगल पर्सन मतलब जैसे कंपनी बेटा तो कंपनी भी तो एक पर्सन हैीगल पर्सन डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन आर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ

अगर आप पार्टनर हो किसी कंपनी में किसी पार्टनरशिप में डेफिनेटली आप उसके बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हो बच्चों इसलिए वो भी क्या है रिलेटेड पर्सन दे आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉ बात में ऑलरेडी आपसे कर चुका बेटा देन अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स ओन्स और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बॉथ एक मिनट जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है ए लिमिटेड ये कौन है बी लिमिटेड और यह क्या है हाँ बेटा सी लिमिटेड हाँ वेरी गुड बेटा सर सी पे आपका ध्यान बहुत अच्छा जाता बेटा बहुत अच्छा बेटा सर मान लो ए के पास मान लो ए के पास बी के भी एटलीस्ट पच्चीस परसेंट शेयर है और सी के भी एटलीस्ट शेयर है है या उससे ज़्यादा बेटा? हाँ ना भाई? सर तो ऐसे केस में में भले ही बी और सी का आपस में कोई देना नहीं है कोई होल्डिंग नहीं है फिर भी बी और पच्चीस परसेंट होल्डिंग बहुत बड़ी होल्डिंग होती है यार क्लियर इसलिए बी और सी आपस में क्या कहलाएंगे रिलेटेड पर्सन काइंड ऑफ सिस्टर कंसर्न बच्चों ओके ठीक सर देन सर वन ऑफ देम क्या बोला मालिक वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर्स अच्छा कंट्रोल बच्चों कंट्रोल वर्ड को एक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ है तो कॉमन पार्लेंस में हम बात करेंगे कंट्रोल मतलब बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर रहे बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहे बेटा आप

कुछ आ रहा ही जा रहा है, है। पक्का ना भाई हंड्रेड परसेंट ना आ रहा है बेटा क्या आ रहा है बेटा ओके ब्रेक तुम बेटा ओके सर नेक्स्ट सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ दी सेम फैमिली एक ही परिवार के हिस्से बेटा अच्छा परिवार मतलब हाँ फैमिली बेटा वेरी गुड कौन सी फैमिली डिक्लेयर अनडिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड बेटा वेरी गुड बेटा ए इज द केस में भी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन डिपेंड्स ऑन टेस्ट टू टेस्ट बेटा है ना ऐसा okay. लगता है बेटा शादी इस पे ऐसा लगता है बेटा सर फैमिली अच्छे से पढ़ो बेटा नहीं तो मामा और बुआ के लाओगे बेटा जिसके बारे में आप सोच रहे हो सर सर इधर ध्यान दो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं तो जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके बच्चे आपको मामा या भुआ खिलाएंगे बेटा ठीक है ध्यान दो ये बात अच्छी लगी ना बेटा आपको दिल में चुभी ना बेटा नहीं चुभी मतलब बिल्कुल नालायक बेटा आप तो. तो बहुत अच्छा बेटा वेरी गुड सो द टर्म फैमिली इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर टू क्लोज फोर्टी नाइन पहले हम पढ़ रहे क्या फैमिली फैमिली फर्स्ट सर फैमिली मीन्स ओ भाई भाई ध्यान दो फैमिली तुम भी हो नहीं है कुछ समझ मारा है फैमिली मीन्स फैमिली इंक्लूड्स नहीं बेटा गली गली में शोर है <laughs> सरकार इधर ध्यान देना आगे बोलू कुछ रेंदो भी यार गली गली में श्योर है सुंदरलाल अच्छा मैं कुछ वरी बोल रहा था चल सर ध्यान देना फैमिली इस पर सेक्शन नंबर टू क्लोज फोर्टी नाइन ऑफ दी जी एस टी एक्ट फैमिली मीन्साउस द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ दी पर्सन अच्छा स्पाउस मींस ये स्पाउस गर्लफ्रेंड होती बेटा क्लियर है सर सर स्पाउस एक मिनट ओ भाई हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड और चिल्ड्रन बेटा ओके okay? एंड एक मिनट ध्यान देना इनके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए इनफेक्ट इंटर में ही नहीं सी फाइनल में भी बेटा ओके okay? ध्यान देना बच्चों एंड फैमिली मीन्स पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ दर्सन इफ दे आर प्लीज प्लीज माइंड इड माइंड इड इसका क्वेश्चन का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तीन चार बार बना हुआ है इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन सरकार पेरेंट्स क्या बोला बेटा पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर आपके रिलेटेड होंगे अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो समझा आप मेरी बात आपका भाई सगा भाई कजिन की तो बात नहीं करा मैं आपसे सर रियल ब्रदर कह देना तू मेरे पे डिपेंडेंट नहीं तू मेरा भाई नहीं निकल तो क्या भाई लात तुमको मारेगा वो बेटा अरे क्लियर सर कहा पे बात मत करना बेटा अरे क्लियर सर मान लो सर ना इसमें क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल बनता है किसका क्वेश्चन बनता है किसका ब्रदर का बेटा योर ब्रदर इज एन इंजीनियर क्लियर और उसने आपकी फैक्ट्री के लिए कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज दिए बेटा और आपसे कोई फीस चार्ज नहीं किया बताओ सप्लाई है क्या ब्रदर है ब्रदर है बेटा क्लियर सर्विसेज दी इन दी कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस बेटा बताओ सप्लाई है कि नहीं सर है नहीं है अच्छा भाई ने सर्विसेज दी कौन सी बेटा ही इज एन इंजीनियर उसने इंजीनियरिंग सर्विसेज दी आपकी फैक्ट्री बेटा मतलब आप भी कमा रहे हो और वो भी कोई डिपेंडेंट नहीं है और अगर डिपेंडेंट नहीं है कोई भाई किस भाई किस दूसरे पे बेटा पे तो ऐसे केस में नहीं नहीं और related नहीं है तो, तो शेड्यूल नंबर वन में कवर ही नहीं बेटा ये तो शेड्यूल नंबर वन में कवर है क्या सर अगर रिलेटेड पर्सन को सर्विस दिए इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस अग्रीड बट सर वो रिलेटेड तो होना चाहिए ना बेटा यार

क्लियर बात तो वही होगी ना सर नीचे आपसे किसने रास्ता पूछा बेटा कि शिवाजी नगर का रास्ता कहा है बेटा आपने उसको फ्री में बताया बेटा क्या सप्लाई है क्या बस वही बात होगी बेटा वो आपका भाई था तो भाई भाई होगा घर पे क्लियर जीएसटी में हमारा भाई नहीं है क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है वो इंजीनियर है बेटा यार ही इज प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज ही इज प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग सर्विस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सी फाइनल बेटा बोलो समझे मेरी बात इसलिए सर क्या होता है इमोशंस अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह अरे क्लियर मालिक पक्का हंड्रेड परसेंट डन तो सरकार यहां तक समझना आपको अरे यहां तक समझना आपको मेरा पक्का डन तो सर एक मिनट स्पाउस और चिल्ड्रन वो हमेशा रिलेटेड है भले डिपेंडेंसी कुछ हो या ना हो मतलब बाप के लिए बेटा हमेशा रिलेटेड है पर बेटे के लिए बाप डिपेंड्स क्यों तो डिपेंडेंट है बोल बेटा सुनना बाप के लिए बेटा मतलब पेरेंट्स के लिए बेचो हम तो हमेशा हमेशा रिलेटेड बेटा यार पेरेंट्स आर सो प्योर दैट्स अ प्योर लव बेटा क्लियर उनके चिल्ड्रन आर ऑलवेज रिलेटेड बट फॉर चिल्ड्रन स्पाउस गर्लफ्रेंड क्लियर सर अब लोग सोचेंगे ये क्या रहे <laughs> <laughs> था कुछ भी सर अपने अपनी अपनी सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि इन सच केस क्या मालिक इन सच केस सर ये रिलेटेड है कि नहीं है ये पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लियर चिल्ड्रन के लिए सर उसके पेरेंट्स वो रिलेटेड तभी होंगे जब वो पेरेंट्स उस पर पे डिपेंडेंट है मेरी बात शायद आप तक पहुंच गई बच्चों अरे पहुंचेंगे पक्का डन माहौल सरकार ये था क्या Related person का अब इसमें एक और 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 बाकी बेटा बेटा ध्यान देना वाला मतलब मान लो सर मैं जो गुड्स बनाता हूं सर उन गुड्स को बेचने के लिए मैंने आपको अपॉइंट किया यू आर दी सोल गुड्स आप ही बेचेंगे बेटा थोड़ा एग्रीमेंट किया सोल कंसेशन बेटा

और और बेटा clear? Then such are related person related है तो वो शेड्यूल हो जाएंगे बच्चों तक clear है क्या सर आपको आवाज़ नहीं आ रही clear बच्चो? 100 पक्का माहौल डन सर ये था क्या शेड्यूल नंबर वन पेर नंबर टू क्लियर अच्छा अब देखो बच्चों बच्चों जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना बेटा जो मैंने एग्जांपल दिए बेटा वो हर एक एग्जाम्पल आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं बेटा लिखने की जरूरत नहीं सर क्यों ये देखो बेटा आप एम्प्लॉय एम्प्लॉय हाँ ना भाई सर यहाँ पचास हजार वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है बेटा, बेटा आपको क्लियर फिर डिस्टिंग पर्सन क्या होता है जो मैंने आपको समझाया वो लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख रखा है आपके लिए बेटा क्लियर ये रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन वेस्ट बंगाल अरे ना भाई क्या कहलाएंगे ये डिस्टिंग पर्सन कहलाएंगे बेटा क्लियर सर फिर स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर याद आया बच्चों आपको जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो है मैंने पिक्ट्रल फॉर्म में भी दे रखे बेटा आपको ओके okay, बच्चो अरे क्लियर फिर इनके बीच में मैंने एक दो छोटे छोटे बेटा आपको समझाने के लिए कि जैसे इंटर स्टेट कैसे क्या बेटा इंटर स्टेटर तो इंटर स्टेट मतलब क्या है बेटा इंटर स्टेट क्या बेटा वन स्टेट टू अनदर स्टेट मतलब डेफिनेटली वो डिस्टिंग तो होंगे ही होंगे बेटा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो डेफिनेटली अलग होगा बेटा क्लियर तो वो सब मैंने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछे वो सब मैंने यहाँ पे दे रखे है ऑलरेडी Clear? मेरी गारंटी नॉवेल बना दूंगा मैं की बुक को. Clear? आप पढ़ेंगे और आपको क्या करना है जो मैंने आपको आज पढ़ा है, वो एक बार करके आना है अच्छा, वो भी क्लियर पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बच्चों क्लियर सो दैट आपको जो मजा आपको आ रहा है अभी पढ़ने में वो आपको घर जाके भी वो मजा आया कि हाँ सही में मजा केवल यहाँ का वो नहीं जादू नहीं चल रहा है वो सही में आपके लिए परमानेंटली फिट हुआ बेटा ठीक है फिर देखिए बच्चों तीनों <coughs> बेटा एयरलाइंस बेटा अरे इंडिगो एयरलाइन याद है फिर याद है मोड ऑफ कन्वेंस वो ट्रक बस वगैरह से दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली कंपोनेंट्स भेजे थे क्या ट्रक सप्लाई क्या बेटा नहीं अरे क्लियर समझे मेरी बात बच्चों अच्छा एक चीज बताओ बताओ मुझे एक और बात मान लो वो ट्रक मैंने परमानेंटली भेज दी थी बेटा तो तो सप्लाई हो गया बेटा तो तो वो सप्लाई अच्छा, अच्छा, में ट्रक गई बेटा ट्रक परमानेंट नहीं गई ट्रक बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर वो ट्रक जब दिल्ली पहुंची तब तो कुछ खराब होगी ट्रक बेटा उस ट्रक का वहां पे मैकेनिक था उसने वहां पे रिपेयरिंग कर दी बेटा

या फिर आप और हम डिस्कस करके बात कर ले कि सर क्या होना चाहिए और जो होना चाहिए वही बुक में लिखा होगा तो मजा आएगा ना सर आपको तो यार क्लियर ठीक सर सरकार आइए बात करते हम पैरा नंबर थ्री की यहां तक पॉइंट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे सर आपको आवाज आ रही हो पक्का सर सर पैरा नंबर थ्री ब्रेक चाहिए आपको बेटा अच्छा आज का लेक्चर आपको बताया कब तक है आज आज के लिए केवल आज आज के लिए बैठा है ना क्लियर और कल से टेन फोर्टी ओके? बोला ना आपको शायद ना? नहीं नहीं मैं बताता हूं कोई बात नहीं आपका टाइम क्या अभी आज से मॉर्निंग सेवन फोर्टी फाइव टू टेन फोर्टी फाइव आपका रेगुलर टाइम रहेगा बेटा पंद्रह मिनट शिफ्ट किया पर आज के लिए टेन थर्टी तक रहेगा टाइमिंग क्योंकि आ, कोई काम है बाद में ठीक है अरे यहां तक मेरे को नहीं सर, वो लेक्चर के लिए ओके क्लियर ठीक सर तो एक काम कर ब्रेक ले ले बेटा पहले क्लियर तो फटाफट एक क्विक ब्रेक लेते हैं हम दस मिनट का बेटा ओके चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच सर वीडियो क्लास समझ मारा बेटा आपको पक्का चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू